रेस्टोरेंट में मिली अनुपमा को बड़ी पदवी और देखता रह गया खड़ूस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को फिर से उसी जगह पे नौकरी मिल गई जहां पे वो निकाल दी गई थी लेट होने के चक्कर में। ये सीन कितना अच्छा था, हम सब ने देखा। ये सीन जितना जो है एंटरटेन करने वाला था उतना रुलाने वाला भी था, मगर इस सीन का फ्रूट बहुत ही अच्छा था। एक ऐसी पदवी अनुपमा को मिली है इस रेस्टोरेंट में जो अभी तक अमेरिका में आने के बाद कहीं भी किसी भी मुकाम पे नहीं मिली। जितने भी दिन अनुपमा यहाँ पे रही है अमेरिका में, ठोकरे खा के यहां तक पहुंची, निकाल दी गई, फिर से नौकरी पे रख ली गई, मगर एक बड़ी पदवी के साथ। तो बात करते हैं दोस्तों, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वो वरदान आज सच हो गया जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। अल्टीमेटली खड़ूस की मम्मी ने अनुपमा को वापिस से नौकरी दिलवा दी, वो भी मान इज्जत के साथ। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो है अनुपमा की खासियत है, अनुपमा की अच्छाई है जो उसको रिवॉर्ड साथ साथ में देती रहती है और अनुपमा उसका रिगार्ड करती ही रहती है। बहुत बढ़िया सीन था, जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरह उन्होंने एक औरत की पेन को समझाया। ये सिर्फ खड़ूस से बात नहीं हो रही थी, उन सब से बात हो रही थी जो दूसरों के पेन को नहीं समझते हैं। बाहर के देश में जब एक औरत को ऐसे ही निकाल दिया जाता है, जब आपको पता है कि सर पे छत नहीं है और हाथ में कुछ नहीं है उसके, तो वो क्या करेगी। और उसके साथ ऐसा हादसा भी हो चुका है। ये सारी पेन आज जो हमने देखी है अनुपमा के चेहरे पे, वो सच में रुलाने वाली थी। वो एक दिन पूरा अनुपमा पे इतना भारी गिरा कि क्या ही कहने। मगर रिजल्ट अच्छा निकला, क्योंकि उसने पेशेंस दिखाई, परसीवेरेंस दिखाई, वहीं पे रही, बात मानी उसने विक्रम की, कहीं मत जाना, अपने आप को सेल्फ पिटी में नहीं डाला, लड़ी और फिर जीती। क्योंकि कान्हा जी अनुपमा को कभी भी ऐसे हालातों में नहीं छोड़ते हैं, उसको राह दिखाते ही दिखाते हैं। तो अनुपमा को नौकरी तो वापस मिलनी ही थी, ये तो हम सब जानते ही थे। मगर जो आज उन्होंने कहा कि तुम मुझे बीजी कहो, पंजाबी में बीजी मां को कहा जाता है, दादी को कहा जाता है। तो ये जो अनुपमा को नई पदवी मिली है यहां पे, इस जगह पे जहां वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई रिश्ता उसके साथ नहीं है, सब पीछे छूट गए हैं, ये एक नया पहला रिश्ता अनुपमा का यहां पे बना। अनुपमा के लिए नौकरी से भी बड़ी पदवी यही है दोस्तों। और जब अनुपमा थैंक यू कह के रोती है दोस्तों, तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे। सीन ही कुछ ऐसा था, वो पूरा का पूरा दर्द अनुपमा का उसके आंसुओं में निकल गया, जो खुशी के आंसू थे। क्योंकि वो सारी बातें हो रही थी, बीजी उसको डांट रही थी, सब कर रही थी, अनुपमा उस सब बातें सुन रही थी, उसके लिए वो परेशान भी हो रही थी, कहीं ज्यादा ना डांट दे, कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि जब तक नौकरी वापस मिलने की एश्योरेंस नहीं होती है, तब तक तो जिसको नौकरी चाहिए उसके दिल में धक धक चलता ही रहेगा। वो तो एंड रिजल्ट की ही बात कर रही थी, उसी की वेट कर रही थी। जब उन्होंने फाइन कहा, उसके बाद भी जब नहीं श्योर हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, नौकरी ये कर सकती है, तब अनुपमा फफक फफक के रो पड़ी। क्योंकि ये एक बात सुनने के लिए वो इतनी देर से ये लड़ाई झगड़ा, पूरा दिन इसी बात को सुनने के लिए वो इंतजार कर रही थी कि मेरी नौकरी बच जाए, मैं कहां जाऊंगी, मैं इसी जगह को तो जानती हूं। सच में बहुत ही दिल को रुलाने वाला सीन था जो लास्ट पार्ट था। तो मुझे तो सच में ये तकलीफ समझ में आई कि जब कोई अकेला होता है इतने बड़े परिवार के बाद और ऐसी कंडीशन में होता, तो उसका कैसे, किस तरह का उसका दिल चलता है। भगवान किसी को भी ऐसी सिचुएशन में ना डाले, अगर डाले बाय चांस, अगर भगवान किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल भी देता है, तो उसको करजियस बनाए अनुपमा की तरह, उसके अंदर वो हौसला डाले जो अनुपमा में है, नेवर गिव अप करने का।
तो मुझे अच्छा लगा, आप बताइएगा आपका क्या रिएक्शन है इस सीन के बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.